अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद कासिम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के साथ। आज हमने जो ना प्रूफ स्टार्ट करने हैं। सबसे पहला जो प्रूफ है आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ई की पावर ए, जो आज हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। लाजमी तौर पर इसको तवज्जो के साथ सुनिएगा, देखिएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स, हम इस चीज़ को जो ना लेफ्ट हैंड साइड के तौर पर लेट कर लेते हैं। अब आपके पास लेट करने के बाद हम इसके ऊपर, अब आपके पास एक और चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड बनाने के बाद एक और चीज़ लेट करते हैं, वो है उसका नोमिनेटर। नोमिनेटर को किसी के बराबर हम वाई के बराबर लेट करेंगे। वाई के बराबर लेट करने के बाद उसके बाद देखें जरा टेक्निक, ए की पर एक्स माइनस वन बाई एक्स, हमने ए की पर एक्स माइनस वन को किसके बराबर लेट कर दिया, वाई के बराबर। जब हम किसी चीज़ के नया वेरिएबल आपके पास इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो लिमिट जिस चीज़ को अप्रोच करती है आपने उस नए वेरिएबल को भी दिखाना है वो किस चीज़ को अप्रोच करता है। तो लिहाजा बहरहाल ये एक्स अप्रोच करता है जीरो को, वैन एक्स अप्रोच करता है जीरो को, फिर वाई अप्रोच करेगा जीरो को। कैसे ये वाई अप्रोच करेगा जीरो को, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ए की पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ये वाई है, तो ये एक्स किसको अप्रोच करता है, जीरो को। एक्स की जगह जीरो पुट करें, ए की पावर जीरो माइनस वन इज इक्वल टू वाई, ए की पावर जीरो मैं वन के बराबर माइनस वन इज इक्वल टू वाई, जीरो इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो होगी। इसका मतलब यह है अगर एक्स अप्रोच करता है जीरो को फिर वाई किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो लिहाजा ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई, यानी कि ये माइनस का वन हम इस तरफ ले आएंगे तो वो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, वन प्लस वाई हो जाएगा। इसी तरीके से अब आप देख सकते हैं ए की पर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई, हम दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। लॉग जिसकी बेस क्या होनी चाहिए आपके पास, ए हम इस तरफ लेंगे, टेकिंग लॉग टू द बेस ए ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ए इस तरफ भी हमने लिया, इस साइड पर भी, लेफ्ट हैंड साइड पर भी, राइट हैंड साइड पर भी लॉग आपके पास ये लिया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पावर हो जाएगी। तो एक ए की पर एक्स देखिए वन प्लस वाई पावर्स बनी हुई हैं, तो ये पावर की पावर लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक कि लॉग अगर ए की पावर बी है तो बी क्या हो जाता है, स्टार्ट में आता है, जो स्टार्ट में आता है फिर पावर भी बन सकता है, ये भी बात ध्यान के अंदर रखिएगा। एक्स जो है स्टार्ट के अंदर आ गया, लॉग ए की पावर ए इक्वल टू लॉग ए की पावर वन प्लस वाई, लॉग ए की पावर ए किसके बराबर होता है, वन के बराबर, तो ये सारी बात किसके बराबर, वन के बराबर आ गई। एक्स इंटू वन इज इक्वल टू लॉग ए की पावर वन प्लस वाई, अच्छा एक्स इज इक्वल टू ए की पावर वन प्लस वाई। अब हम जो है ना दोबारा लिमिट वापस लेके आते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बराबर थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर एक्स जीरो बाय एक्स, ए की पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स। अब जो ऊपर नोमिनेटर किसके बराबर लेट गया था, वाई के बराबर, वो उसकी जगह वाई आ गया, ठीक है जी। अब एक्स किसको अप्रोच करता है, जीरो को, तो अब हमने कहा था वाई अप्रोच करेगा किसको, जीरो को। एक्स की जगह अभी एक्स किसके बराबर हम लेकर आए हैं, लॉग ए की पावर वन प्लस वाई। अब आपको जारी बात समझ आ गई होगी कि यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की, तो ए को ख़त्म करने के लिए हमने लॉग ए दोनों तरफ लिया था। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो वाया है ना, इस वाया को हम लेके इस तीसरे बटे में ले आते हैं, क्योंकि जो तीसरे बटे में होता है वो पहले बटे से दोबारा मल्टीप्लाई हो गया, वही वापस चीज़ आ सकती है। तो लिहाजा ये देखें आपके पास हम वन ओवर वाई को साइड पे ले लेते हैं, लॉग ए की पावर वन प्लस वाई, ये लॉग ए की पावर वन प्लस वाई वन से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ वापस आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसकी पावर, इसको पावर में ले जाते हैं, ये पावर की पावर में आया खड़ा है, जो पावर की पावर में हो वो शुरू में आ सकता है, मैंने पहले बताया कि आपके पास बी स्टार्ट में आ जाता है, बी शुरू में आ सकता है तो बी पावर में भी आ सकता है। तो लिहाजा लॉग ए की पावर वन प्लस वाई की पावर वन ओवर वाई। अब ये है कि हम लिमिट वन पर अप्लाई करेंगे वो वन आएगा, लॉग ए पर लिमिट अप्लाई मतलब करेंगे तो वो कांस्टेंट है। हम डायरेक्टली तौर पर किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जहाँ वेरिएबल्स होंगे। अब मीन के हमने लिमिट इसके ऊपर लगाई है, वन ओवर लॉग ए की पावर, ये खास तौर पर ख्याल कीजिएगा, ये पावर में लिखना है, लॉग वन ओवर लॉग ए की पावर, लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस वाई की पावर वन ओवर वाई। अब जिस ये चीज़ वाई है ना, वाई का रेसिप्रोकल क्या बनता है बच्चे, वन ओवर वाई। अब ये आपको एक थ्योरम मैंने पढ़ाया था, याद करवाया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस वन ओवर एन, वन ओवर एन, ये वन ओवर एन इसका रेसिप्रोकल क्या है, ऊपर एन है, तो ये किसके बराबर है, ई के बराबर। तो जहाँ सेम टू सेम वही चीज़ आपके पास सामने आई, वाई है, वाई का रेसिप्रोकल क्या है, वन ओवर वाई, ये सारी टाइम किसके बराबर हो जाएगी, ई के बराबर। तो वन ओवर लॉग ई की ए की पावर ई, हम जब बटे के ऊपर लेकर आएंगे तो आपके पास जो आपके पास बेस होगी वो पावर बन जाएगी, जो पावर है वो क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, लॉग ई की पावर क्या हो जाएगी, इसकी क्या ये
राइट हैंड साइड ऐसा प्रूफ हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू लॉग ई की पावर ए। अब हम जो है ना थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ज़रा वो आप देखें कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एन की पावर एन इज इक्वल टू ई। अभी हमने थ्योरम जो है ना बार बार कहा है कि ये वन ओवर एन इसका रेसिप्रोकल क्या है, एन है तो ई के बराबर होता है। ये कैसे बराबर होता है हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हमने इसकी क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनाइट वन प्लस वन ओवर एन की पावर एन। हम क्या अप्लाई करेंगे, बेनोमियल थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, वन प्लस एक्स की पावर एन। जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बेनोमियल थ्योरम, आपने फर्स्ट क्लास के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, वो क्या था कि वन प्लस एन एक्स, ये एन और एक्स आपस में मल्टीप्लाई होकर आ जाते हैं, फिर एन इन टू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स को स्केयर प्लस एन इन टू एन माइनस वन इन टू एन माइनस टू बाय थ्री फैक्टोरियल एक्स की पावर थ्री प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। तो हमने इस चीज़ की ये चीज़ आपके पास टर्म कंसिडर करके हमने उठा ली है। उठाने के बाद हमने इसके ऊपर क्या लगा लिया, बेनोमियल थ्योरम। वो क्या है, वन प्लस एन एक्स, एन और एक्स, एक्स क्या है वन ओवर एन है, तो एन इंटू वन ओवर एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर वन ओवर एन का स्केयर, वन ओवर एन जो है एक्स की जगह पे है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाय थ्री फैक्टोरियल एक्स की पावर थ्री। अगर फॉर्मूले के अंदर एक्स की पावर थ्री आने वाले तो वन ओवर एन की पावर क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा प्लस अप टू सो वन। तो एन एन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल ये वन ओवर एन स्केयर हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन बाई एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल ये वन ओवर एन क्यूब हो जाएगा। तो ये एन स्केयर एक जो है ना इसे कट जाएगा, एक रह जाएगा, यहाँ एन क्यूब था एक तो है ना कट जाएगा, आपके पास दो यहाँ पे क्या रह जाएंगे। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, वन प्लस वन कितना हो गया, टू हो गया, टू प्लस वन बाय टू फैक्टोरियल एन माइनस वन बाय एक एन बाकी रह गया था बाय एन प्लस वन ओवर थ्री फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाय थ्री फैक्टोरियल। तो हमने सेट करें ये एन स्केयर है, हमने एन स्केयर को एन डॉट एन में लिख दिया प्लस अप टू सो ऑन, एक एन इसके बटे कर देते हैं, एक एन इसके बटे कर देते हैं, मसला कोई नहीं है क्योंकि एन नहीं है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो अब आपके पास लिहाजा टू प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल ये एन बाय एन, इस एन के बटे अलग, वन के बटे क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, प्लस वन ओवर थ्री फैक्टोरियल ये एन, एन बाय एन इसके बटे अलग, वन बाय एन इस तरह बटे अलग, ये एन इसके बटे अलग, ये एन इसके बटे क्या हो जाएगा अलग, क्योंकि दो एन थे, एक एन इस तरफ एक एन इस तरफ चला गया था, प्लस अप टू सो वन चलता रहेगा ये यूँ इस तरह। टू प्लस वन ओवर टू, अब एन एन से कैंसिल, वन माइनस वन ओवर एन प्लस वन ओवर थ्री फैक्टोरियल वन माइनस वन ओवर एन इंटू वन माइनस टू ओवर एन, क्योंकि एन एन से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे प्लस अप टू सो वन चलता रहेगा। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनाइट इंटू वन प्लस वन ओवर एन की पावर एन, क्योंकि हमने यहाँ पे बिनोमियल थ्योरम के जरिए ये टर्म तो ओपन कर ली, उसके बाद हमने क्या अप्लाई करना है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जब इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे आपके पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनाइट इस सारी बात के ऊपर, ये सारी बात किसके बराबर है, ये इस चीज़ के बराबर है। तो ये टू प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू वन माइनस वन ओवर एन प्लस वन ओवर थ्री फैक्टोरियल इंटू वन माइनस वन ओवर एन इंटू वन माइनस टू ओवर एन प्लस अप टू सो वन। एंड इसी तरह से जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, इन्फिनाइट पुट करेंगे। तो यहाँ एन था यहाँ इन्फिनाइट पुट किया, यहाँ एन था यहाँ इन्फिनाइट पुट किया था, यहाँ एन है यहाँ इन्फिनाइट, क्यों लिमिट अप्लाई की है एन अप्रोचेस टू इन्फिनाइट वाली। अच्छा वन ओवर एन किसके बराबर, जीरो के बराबर, जहाँ वन वन ओवर एन है, टू ओवर एन है, थ्री ओवर एन है प्लस अप टू सो वन, जो भी आपके पास सूरत हाल है वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगी। मीन के टू प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल वन माइनस ज़ीरो वन ओवर थ्री फैक्टोरियल वन माइनस ज़ीरो इंटू वन माइनस ज़ीरो प्लस अप टू सो वन। अब आपके पास क्या रह जाएगा, टू वन ओवर टू फैक्टोरियल रह जाएगा, क्योंकि वन माइनस ज़ीरो तो वन रह गया, वन ओवर थ्री फैक्टोरियल रह गया, आगे जो आने वाले टर्म होगी वन ओवर फोर फैक्टोरियल होगा, उससे आगे जो टर्म आने वाले होगी वन ओवर फोर फैक्टोरियल होगा। तो इसी तरह से आपके पास अप टू सो वन चलता रहेगा। नेक्स्ट ये आपके पास सूरत हाल हुई, आपके पास सामने मैंने लिखी है, ज़रा देखें, टू प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल प्लस वन ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस वन ओवर फोर फैक्टोरियल प्लस वन ओवर फाइव फैक्टोरियल प्लस अप टू सो वन।
वन ओवर टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल टू, थ्री फैक्टोरियल सिक्स, फोर फैक्टोरियल 24, फाइव फैक्टोरियल, अब आपकी मर्जी आगे लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, वन ओवर टू 0.5 के बराबर, वन ओवर सिक्स इसके बराबर, वन ओवर 24 इसके बराबर, इसी तरह सबको ऐड करोगे तो 2.7181 आ जाएगा, तो वो किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, उसकी जगह ई आ जाएगा। तो हमारे पास ये प्रूफ कंप्लीट हो जाता है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनाइट, लिमिट एन अप्रोचेस, ये आपके पास एन है, इसको एक्स ना समझना, एन अप्रोचेस टू इन्फिनाइट इंटू वन प्लस वन ओवर एन के ऊपर एन इज इक्वल टू ई के बराबर है। अब हम जो मजीद कल जो आपके पास करने जा रहे हैं आगे नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर आपके पास लेक्चर हमारे पास होगा वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू वन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसको आपने जो हमने आज पढ़ा है इसको लाजमी तौर पर तैयार भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, इसको जो है ना नीट रजिस्टर पर भी लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।